हमारी धरती करीब 4 बिलियन साल पहले बनी थी और आज हमारी धरती पर काफी सारी प्रजातियां रहती हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां डेजर्ट या फिर गर्म हालात में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं और कुछ प्रजातियां पोलर रीजन या फिर बेहद ठंडे जगह पर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्राणी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इन दोनों वेदर कंडीशंस में आराम से जिंदा रह सके? तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ऐसा ही एक प्राणी हमारे धरती पर एग्जिस्ट करता है। ये प्राणी न केवल इन दोनों वेदर कंडीशंस में जिंदा रह सकता है बल्कि ये स्पेस में भी जिंदा रह सकता है और ये हमारे ही बीच मौजूद है। तो आपने शायद सोचा होगा कि अगर ये जीव इतना ही कॉमन है तो अभी तक हमें इसके बारे में जरूर पता चल जाता, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस प्राणी से जुड़ी सारी जानकारी आप जान पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्राणी का नाम है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड सबसे पहली बार 1773 में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट जोहान अगस्त के द्वारा डिस्कवर किया गया था। टार्डिग्रेड साइज में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक का ही होता है। इस प्राणी का खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम और छोटे 8 पैर होते हैं। इस प्राणी के सहन शक्ति के बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। दुनिया की सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाली जगह ओमिया कोन, जिसका एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, वहाँ पर यह जीव अपने आप को आसानी से जिंदा रख सकता है। एक्चुअली ये टेम्परेचर तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर में एटम्स के मोशन में भी रुकावट आ जाता है। लेकिन इससे कुछ टेम्परेचर ज्यादा में भी ये प्राणी अपने आप को जीवित रख सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टार्डिग्रेड केवल कोल्ड टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकता है। नॉर्मली पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन टार्डिग्रेड 150 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है। धरती की सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंज में जो पानी का दबाव यानी प्रेशर है वो नॉर्मल पानी के एटमॉस्फेयर से 1000 गुना ज्यादा है, वहाँ पर भी टार्डिग्रेड अपने आप को जीवित रख सकता है। इस जीव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जीव बिना खाने पीने के 40 सालों तक जिंदा रह सकता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इस दौरान टार्डिग्रेड अपने शरीर के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बंद कर देता है और वो 40 सालों तक हाइबरनेशन या फिर गहरी नींद में चला जाता है और वापिस से जरूरत आने पे वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू कर देता है और वापिस से वो खाने के तलाश में निकल पड़ता है। टार्डिग्रेड प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया और अपने से छोटे टार्डिग्रेड्स को खाता है। इन जीव का लाइफ स्पेन 100 सालों से भी ज्यादा तक का होता है। हाल ही में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके देखा है कि एक टार्डिग्रेड ऐसा था जो कि 120 सालों तक हाइबरनेशन में जिंदा था। सन 2007 में नासा ने हजारों की संख्या में टार्डिग्रेड्स को स्पेस में ले गया था। वहाँ पर टार्डिग्रेड्स को हाई रेडिएशन के बीच में रख के देखा गया कि क्या वो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि लगभग 90% से भी ज्यादा टार्डिग्रेड स्पेस में जिंदा रहे। तो सोचिए, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन या फिर पानी है, बल्कि वहाँ पे हाई जानलेवा रेडिएशन है और वहाँ पर टार्डिग्रेड्स आसानी से जिंदा रह सकते हैं। टार्डिग्रेड्स अब तक का सबसे पहला लिविंग क्रिएचर है जो कि स्पेस में जिंदा रह सकता है। टार्डिग्रेड्स को इस दुनिया का सबसे पहला क्रिएचर भी माना जाता है, क्योंकि इस प्राणी में जो खूबियां है वो बाकी किसी भी प्राणी में नहीं है। टार्डिग्रेड्स में काफी खूबियां होने के साथ साथ इसका डीएनए बाकी किसी भी क्रिएचर के डीएनए के बनावट से मैच नहीं करता है और इसका बॉडी फंक्शंस भी बाकी किसी भी प्राणी से बिल्कुल अलग है। टार्डिग्रेड्स बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे हालात में कैसे जिंदा रह सकता है, इसके ऊपर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए मददगार साबित हो। तो जाने से पहले एक सवाल कि क्या टार्डिग्रेड आपको एलियन लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है? नीचे कमेंट में मुझे इसका आंसर दे। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।